न्यूज रूम से मेरे सहयोगी खजान जुड़े हुए हैं, वो हमें बताएंगे कि G20 कब से शुरू हुआ, किन चीजों को लेकर ये G20 किया जाता है, कौन कौन से देश इसमें जुड़ने वाले, तमाम चीजों को लेकर खजान बताएंगे। खजान बिल्कुल निहारिका, देखिए G20 भारत के लिए गर्व की बात है, बहुत बड़ा वक्त इस वक्त भारत के लिए है, पूरा देश गर्व से गौरवान्वित महसूस कर रहा है क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा आयोजन कभी भारत में हुआ नहीं। और जो ये आयोजन किया जा रहा है 20 देश G20, सबसे पहले मैं G20 के बारे में आपको बता दूं, G20 जो है वो 20 देशों का ग्रुप है और वो 20 देश जो पूरी दुनिया की GDP में 85% की हिस्सेदारी रखते हैं। इसके अलावा व्यापार की बात की जाए तो व्यापार में उनका करीबन 75% की हिस्सेदारी होती है। और G20 1997 में जब सबसे पहले एशियाई जो वित्तीय संकट था, आर्थिक संकट था, उसके बाद इस G20 का गठन किया गया, 20 देशों का एक गठन किया गया। और इसकी जो पहली बैठक हुई, इसकी पहली बैठक जो की गई थी वो 2008 में की गई, 2008 में अमेरिका में इसकी पहली बैठक हुई। उसके बाद 2009-10 में एक साल में दो दो बैठकें इसकी की गई और उसके बाद से लगातार इसकी बैठकें की जा रही हैं। 2008 से आज 2023 है और भारत को अब इसकी मेजबानी करने का मौका मिला है। 20 देश सबसे मजबूत देश जिसकी पूरे दुनिया में 85% GDP पे जिनकी हिस्सेदारी है, 75% व्यापार पे जिनकी हिस्सेदारी है, वो देश एक मंच पर आते हैं और उसके बाद जो फिर उस पर डिस्कस किया जाता है कि आर्थिक जो समस्याएं हैं, पर्यावरण को लेकर जो समस्याएं हैं। सबसे पहले G20 में होता यह था कि वित्त मंत्री, सभी देशों के वित्त मंत्री इसमें शामिल होते थे, उसके बाद थोड़े बड़े स्तर पे इसको करते बढ़ाते चले गए और अब जो है देश का सबसे राष्ट्राध्यक्ष है, जो सबसे मेन व्यक्ति है, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति जिस देश का जो भी है, वो इस बैठक में शामिल होता है। जी नहीं यार, तो फिलहाल खजान दिल्ली में किस तरह की तैयारियां हैं उस पर भी एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जो तैयारियां हैं वो काफी हाई लेवल की है, हाईटेक है और तमाम जो यहां पर चीजें इस्तेमाल की गई है वो पहली बार, और यहां पर चाहे आर्मी की बात करें और तमाम लोगों की बात करें, राज्य पुलिस की बात करें, वो इस बार पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रहा है। कंट्रोल रूम पूरी तरीके से बनाया गया है और साथ ही जो एक स्पेशल ड्रोन है वो भी लगाया गया है। इन चीजों के बारे में जरा खजान एक बार बात कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए G20 देश के लिए गर्व की बात है और एक बड़े स्तर पे 20 देश, आप देखिए सोचिए, खुद ही सोचिए कि दुनिया में जिनका दबदबा है वो देश भारत आ रहे हैं, भारत की जमीन पर उन्होंने कब्जा, मतलब कदम रखते ही पूरा देश गौरवान्वित हो उठा है और दिल्ली बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाई गई है। हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि आर्मी से लेकर पुलिस बल से लेकर दिल्ली पुलिस से लेकर CRPF RPF सभी जितने भी हमारे देश के जवान हैं सभी सुरक्षा में तैनात हैं, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के कई जगह जो है वो बंद कर दिया, मतलब आम लोगों के लिए आवाजाही के लिए बंद है, लेकिन फिर भी लोगों को कोई असुविधा नहीं हो रही है। कई लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ दिल्ली से हमारे ऑफिस में आए हैं काम करने के लिए, उनसे हम जानते हैं कि क्या दिल्ली की क्या स्थिति है। दिल्ली में हर तरफ पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था वो चाक चौबंद कर रखी गई है, हर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा साथ साथ जो भी आसपास के वाहन आते हैं उन्हें भी खासतौर पर देखा जा रहा है और इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जिनके नंबर प्लेट में दिल्ली का नंबर प्लेट नहीं उनकी तो खासतौर से निगरानी रखी जा रही है। और जो एक स्पेशल जोन बनाया गया था, यानी कहें नई दिल्ली जो जिला है, जो कहें लुटियन दिल्ली, उस इलाके को तो पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था यार है, आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी मतलब घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है। इसके अलावा स्विगी जोमेटो के लेकर भी तमाम तरीके की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कुछ जो इमरजेंसी सेवाएं वही उधर चालू हैं, बाकी उस तरफ तो हर तरफ चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि जमीन पे तो सुरक्षा बहुत चाक चौबंद है, क्या आसमानी सुरक्षा यानी ड्रोन हमले जो अक्सर हमें देखने को मिलते हैं वो कितने उसमें उनके लिए दिल्ली कितनी तैयार? तो आपको पता है DRDO ने इसके लिए खासा इंतजाम किया है, जैसा पूरी तरह से ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं जो आपको बता दें कि जो ड्रोन हमले हो सकते हैं उन्हें भी रोक सकते हैं बड़े आराम से। जैसा आप, मैं विजुअल पे आपको कुछ वीडियो दिखा देता हूं, इस सिस्टम में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो हमारी सिस्टम है वो कितने कामयाब तरीके से लगाए गए हैं। ये जो सिस्टम है ये DRDO ने खास तरीके से तैयार किया है, ये इस पे अगर आकाश में ड्रोन भी नजर आएगा तो ये उसे खुद रोकेगा, मार के गिराएगा और उसे जोन में आने नहीं देगा। तो कुछ इस तरह से तैयारियां की गई हैं और ये तैयारियां देख के लगने लगा है कि इस बार ये G20 समिट दुनिया को दिखाएगा कि ये नया भारत आ गया है, ये नया भारत है और इससे आगे कंटिन्यू रखा जाएगा, ये बहुत जरूरी था। जी बिल्कुल निहारिका, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कल और परसों 2 दिन 20 देश
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जिनकी है वो दिल्ली में है, और ये भारत के लिए तो गर्व की बात है ही है। उसके लिए भारत ने पूरी तैयारी की है, बहुत बड़ा खजाना भारत ने इसके लिए लुटाया है, और भारत के लिए खुद यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, भारत में निवेश बढ़ेगा, लोग भारत में आएंगे तो भारत की संस्कृति बढ़ेगी, और जो एक हम कहते हैं ना कि विश्व गुरु बनने की रेस में भारत है, तो इससे इसको प्रबल दावेदार बनेगा, और भारत जो है वो दुनिया की नजर में, देखो भारत जो है तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तो है ही है, एक हमारा लक्ष्य है कि 2027-29 तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, 2047 तक हम एक विकसित देश बनेंगे, उसके लिए जो है G20 बहुत अहम है, और उसी के लिए जब G20 के तहत दिल्ली में जो बैठक की जा रही है, तो बैठक दिल्ली में होनी तो साफ सी बात है कि भैया सुरक्षा चाक चौबंद रखनी पड़ेगी हमारे देश की, क्या जितने भी देश के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं सबकी अपनी सेना पहले से यहाँ पे तैनात है, सबके अपने कमांडो यहाँ पे तैनात है, सभी सुरक्षा पे लगे हुए, और भारत की तो जिम्मेदारी है हमारे देश में अगर मेहमान आ रहे हैं, और हमारे देश का तो एक ये पहले से कर्तव्य भी रहा है, और हमारे देश की एक परंपरा भी रही है कि हमारे देश में अतिथि को बहुत सम्मान दिया जाता है, अतिथि को भगवान की तरह पूजा जाता है, तो अतिथि की सुरक्षा के लिए तरह तरह के कमांडो जगह जगह पूरी पुलिस फोर्स तैनात है। जी नहीं खजान, चाइना से जो शी जिनपिंग है वो नहीं आ रही है, रशिया के जो पुतिन है वो नहीं, लेकिन जो बाइडेन है वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, ये बेहद बड़ी तस्वीर है। ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं और फोमियो किशिदा है, वो सभी लोग पहुंच चुके हैं, और ये बढ़ती अर्थव्यवस्था के तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं, और कुछ लोग पूरी तरह से विकसित है वो भी यहाँ पर आए हैं, और यूरोपीय यूनियन के जो लोग हैं उनको भी बुलाकर भारत ने एक नई तस्वीर गढ़ने की कोशिश की है। तो मैं चाइना पे बात करूंगा निहारिका, रशिया के बारे में भी बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि देखिए 20 देश G20, उसमें 19 देश जो है और एक यूरोपियन संघ है, टोटल मिला के 20 देश हो जाते हैं, 20 देशों का संगठन है G20 है, और इसके अलावा 9 अन्य देशों को भारत ने गेस्ट के तौर पर बुलाया हुआ है। ऋषि सुनक आ गए हैं, ऋषि सुनक से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि देखिए सनातन को लेकर कई दिनों से हमारे देश में चर्चाएं चल रही है कि सनातन धर्म को लेकर कोई विवादित बयान दे रहा है, उस पर सनातन में बड़ी दिनों से चर्चाएं बहस का मुद्दा बना हुआ है, लेकिन जब ऋषि सुनक ने भारत की धरती पे कदम रखा तो वैसे ही उन्होंने जय श्री राम के साथ अभिवादन किया। अश्विनी चौबे उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे, और वहां पे जब वो उनसे मुलाकात हुई तो हाथ जोड़ते हुए ऋषि सुनक देखे गए, और जय श्री राम के साथ उन्होंने उनका अभिवादन किया। तो एक बड़ी तस्वीर है कि दुनिया भारत की तरफ देख रही है, भारत एक विश्व जो कहते हैं ना विश्व गुरु बनने की कगार पर है, उसके लिए एक बड़ा कदम है। अब बात करते हैं चाइना की, तो चाइना देखिए चाइना ने क्यों नहीं आया ये तो उसने बताया भी नहीं, क्योंकि उसने बयान भी नहीं दिया, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कई तरह के कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि चाइना का खुद उसके घर पे ही विरोध हो रहा है शी जिनपिंग का, अगर वो भारत जाते भारत दौरे पर G20 में शामिल होते तो उनका खुद चाइना के अंदर ही विरोध शुरू हो जाता, क्योंकि एक तरफ हमारी सीमाओं पे देखो आप, सीमाओं की विवाद कई सालों से आपने देखा होगा, पिछले 1-2 सालों से हमारे और चाइना के संबंध जो है ना वो बिगड़ते चले जा रहे हैं, संबंधों में जो है वो खटास बढ़ती ही चली जा रही है, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। कई बार हमने कई बातचीत कई द्विपक्षीय कई मतलब करीबन 6-7 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनका कोई नतीजा नहीं निकला है, बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला है, तो एक ये वजह भी रही हो सकती है कि चाइना नहीं आया। चाइना के लिए इससे खुद को ही नुकसान है, और सबसे बड़ी बात है कि चाइना कहीं भी किसी भी मंच पर भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था या भारत का बढ़ता हुआ मान सम्मान नहीं देख सकता है। ये बात खुद कई जो विदेश के जानने वाले हैं और कई राजदूत जो है उन्होंने कई बार इस चीज को बोला है कि जो शी जिनपिंग है 2013 में उन्होंने कार्यकाल संभाला था चाइना की कमान, 2013 में शी जिनपिंग ने जब संभाली उसके बाद से उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो खुद को एक राजा के तौर पर जहां उनकी वाहवाही होती है वो सिर्फ वहां जाना पसंद करते हैं। शी जिनपिंग 2013 से हर G20 में शामिल हुए, ये पहली बार ऐसा पहला मौका है जब भारत में G20 का आयोजन हो रहा है और शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह देखो यही है कि भाई हमारी सीमा पे हमारी चाहे वो लद्दाख हो चाहे LOC जहां भी हो LIC चीन का रुख साफ नहीं है, चीन हर जगह अभी एक नक्शा भी उसने पास किया जहां पर उसने नक्शे में कई भारत के इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया है, तो चीन की जो नीति है उसके खिलाफ भारत हमेशा रहता है, और एक ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर चाइना नहीं आ रहा है तो चाइना के नहीं आने से भारत के जो है ना भारत को खुद को साबित करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। देखिए भारत एशिया में खुद को दिखा सकता है, खुद का दबदबा कि हम एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जो शुरुआत होती है इसी तरीके से होती है, वैसे और लोग भी हैं हमारे न्यूज रूम में और सहयोगी भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी चाइना जैसे इस बार G20 का आयोजन किया जा रहा है, 2013 से चाहे चीन हर G20 में शामिल हुआ, शी जिनपिंग 2013 में जब पहली बार राष्ट्रपति बने तो वो हर G20 बैठक में शामिल हुए, लेकिन इस बार भारत में उनको वो नहीं आ रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? फिलहाल तो जो अभी जो रीसेंट घटना हुई है चाइना बॉर्डर को लेकर तो अक्सर ही आपस में झड़प होती रहती है भारत चाइना में, लेकिन अभी जो रीसेंट हुआ है चाइना ने एक अपना मैप जो
जारी किया था जिसमें भारत के कुछ हिस्से उन्होंने चाइना के मैप के अंदर दिखाए गए। तो ये एक बहुत बड़ा, और G20 से पहले उन्होंने इस तरह का मैप जारी किया, ये एक बहुत बड़ा एक एक्शन, एक साइन है कि चाइना और भारत कितना भी कोशिश कर ले, उनके रिश्ते फिलहाल सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बोला है कि कुछ खास इतना बड़ा कुछ असर पड़ने वाला है नहीं उनके नहीं आने से। उन्होंने भी कहा है कि कई बार ऐसा होता है परिस्थितियों की वजह से नहीं आ पाते हैं, तो उनकी वजह से उनके प्रेसिडेंट जो है वो प्रतिनिधित्व करने आ रहे हैं। और फिलहाल यही देखा जा रहा है कि बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकता है उसकी वजह से बचने की कोशिश कर रहे हैं सीधे तौर पर, क्योंकि हमारे जो पावरफुल लीडर्स हैं सीधे तौर पर जो बात करते हैं हो सकता है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं शी जिनपिंग। और अभी फिलहाल यही एक बड़ा रीजन समझ में आ रहा है कि वो नहीं दोस्ती चाहते हैं भारत के साथ। जी बिल्कुल निहारिका, जैसा कि देखिए चीन शुरू से ही खुद को बड़ा दिखाते आया है और अब तो वो कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखाना चाहता है। चीन की सीधी सी टक्कर, वो मानता है कि मेरी टक्कर अमेरिका से है, कि मैं अमेरिका को पछाड़ कर मैं जाके विश्व गुरु बनूं, विश्व नेता बनूं। और भारत जो है वो अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त रहा है पहले से ही, काफी समय से आपने देखा होगा कि भारत और अमेरिका की जो नजदीकियां है ना वो बढ़ती ही चली गई है। अब आपने एक चीज और देखा होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो अमेरिका की उसमें जो नीति थी, अमेरिका ने सीधे मना कर दिया था कि भाई तुम रूस से कुछ नहीं खरीदोगे। भारत ने अमेरिका की बात नहीं मान के फिर भी रूस के साथ कई व्यापार समझौते किए। हमने जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, जब रूस की अर्थव्यवस्था गिर रही थी, उस समय भारत सबसे अधिक व्यापार करने के मामले में रशिया के पास पहुंच गया, लगभग टॉप थ्री टॉप फाइव तक पहुंच चुका था। कि हम जो रशिया से 3-4 साल पहले तक उतना व्यापार नहीं करते थे, उतना व्यापार हमने यूक्रेन और रूस के युद्ध में कर लिया, लेकिन फिर भी अमेरिका के साथ हमारे संबंध नहीं बिगड़े। इससे चीन जला हुआ है, चीन का अपना मानना है, चीन का कहना होता है कि भैया हम बड़े नेता हैं और हम बड़े नेता बन के रहे, मतलब सारे देशों के हम माई बाप रहे एक तरीके से बोले तो, कि हम ही सब कुछ हैं और हम ही सब कुछ हमें माने। लेकिन अगर भारत की अगर जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश है, अगर उनके सामने भारत अपनी प्रेजेंटेशन देगा, अपना दिखाएगा, अपनी संस्कृति दिखाएगा, अपने विकास के बारे में बताएगा कि हमारे पास ये संसाधन है, आप आइए विकास करिए हमारे देश में, तो उससे चीन को जलन होगी। और सीधी सी बात है कि चीन जलेगा भुनेगा, इससे शी जिनपिंग वहां खुद नहीं जाते जहां उनकी इज्जत मान मोल नहीं होती है। और यही कारण बताया जा रहा है कि चीन शी जिनपिंग ने इससे दूरी बना ली। हालांकि चीन के प्रधानमंत्री जरूर G20 सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। जी निहारिका जी, यहाँ पर ये बात हो गई चीन की और तमाम चीजों की, और आपने ये भी कहा कि रशिया से जो रिश्ते हैं वो बड़े अच्छे हैं, चाहे स्पेस को लेकर हो चाहे तमाम अन्य चीजों को लेकर हो। इसीलिए उन्होंने एक जेस्टर किया, फोन किया हमारे पीएम को और बताया कि वो नहीं आ पा रहे। बाइडेन जो है खजान, वो कब आने वाले हैं और उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली शख्स जो है वो इस वक्त वो दुनिया में है, तो उनको लेकर किस तरह की तैयारी है और क्या खास इंतजाम होने वाला है? बिल्कुल, बाइडेन शाम को कुछ ही देर बाद, ये बताया जा रहा है कि करीबन 6-6:30 बजे के बीच में उनका यहाँ पर आगमन होगा। और जब बाइडेन पहुंचेंगे तो भव्य स्वागत होगा, हर देश का भव्य स्वागत हो रहा है। ये भारत की परंपराएं हैं कि जो भी मेहमान आता है, अतिथि देवो भव कहते हैं हमारे वहाँ पे, हमारे वहाँ मेहमान को भगवान की तरह पूजा जाता है, उसका पूरा सम्मान किया जाता है। जब तक उसकी विदाई नहीं होती उसके लिए खाने पीने हमारे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, करीबन 400 प्रकार के व्यंजन हमने बना रखे हैं, 700 से अधिक बड़े बड़े शेफ इस खाने बनाने में लगे हुए हैं। और आज से नहीं, 2022 दिसंबर से ये तैयारी हो गई, G20 की तैयारी हमारे देश में जोरों शोरों से चल रही है। और अब वो समय आ चुका है जब हमें मेहमान नवाजी का मौका मिला है, कई देश आ चुके हैं और बाइडेन उसी देर में पहुंचने वाले हैं। अब इसमें सबसे जरूरी बात मैं आपको रूस से जुड़ी हुई बताता हूँ कि रूस और भारत के संबंध को अगर हम देखें तो रूस और भारत के संबंध शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं, मतलब दोनों एक दोस्त की तरह हैं और हमेशा संबंध में कभी कोई खटास नहीं आई है। अभी जो है चीन और रूस, उन दोनों के संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं। पुतिन भारत नहीं आए लेकिन पुतिन चीन जाने वाले हैं, अभी कुछ ही अगले शायद 1-2 महीने के बाद पुतिन का, रूस के राष्ट्रपति का चीन का दौरा है। इसको अगर देखें, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि पुतिन भारत तो नहीं आए लेकिन वो चाइना जा रहे हैं, इसको लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि भारत और रूस के जो बीच संबंध है वो काफी मिठास वाले संबंध है। रशिया का यहाँ नहीं आना कई कई सवालों को जन्म देता है। जैसे पुतिन की बात करें तो इसी साल मार्च में उनका लास्ट विदेश दौरा था, उसके बाद वो कहीं भी विदेश दौरे पे नहीं गए हैं। 2018 में लास्ट G20 में पुतिन शामिल हुए थे, 2018 वो साल था जब 2018 का G20 जो सम्मेलन था वो जापान में आयोजन किया गया था उसका, वहां पे G20 सम्मेलन में पुतिन अंतिम बार शामिल हुए थे। उसके बाद जो जाके फिर 2019, 20, 21 उसके बाद जो पुतिन
वर्चुअली जुड़ते रहे और उसके 28 में फिर शामिल नहीं हुए। 22 का जो पिछला जो G20 सम्मेलन था इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, जहां पे भारत को इसकी मेजबानी दी गई थी। अब 2023 है और एक बार फिर से पुतिन ने G20 बैठक से दूरी बना ली है। लेकिन ये दूरी बनाने के पीछे ऐसा नहीं है कि जैसे शी जिनपिंग ने दूरी बना ली लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई बातचीत नहीं की, कोई फोन नहीं हुआ। लेकिन पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और जानकारी दी कि मैं निजी कारणों से नहीं आ पा रहा हूं, इसी वजह से उन्होंने अपने विदेश मंत्री को भेजा है। भारत ने यूक्रेन को भी नहीं बुलाया है। भारत ने ऐसा नहीं कि यूक्रेन से दोस्ती बढ़ा ली है, यूक्रेन को बुलाया हो G20 में। भारत ने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं देशों को बुलाया है जिससे भारत के अपने मधुर संबंध हैं। 20 देशों को तो बुलाया जो G20 में शामिल है। इसके अलावा 9 देश गेस्ट के तौर पर पधार रहे हैं जिनके भारत से अच्छे संबंध हैं, जिसमें यूक्रेन शामिल नहीं है। और अगर रूस आता, रूस का देखो, भारत अगर चाहता तो रूस को पुतिन को थोड़ा दबाव बनाने का मीन्स कि उसको बोल के कि अरे आ जाओ मजा आएगा, इस तरीके से बोल के उसको बुला सकता था। लेकिन भारत खुद नहीं चाहता कि भारत भी चाहता है कि ठीक है अगर पुतिन आते हैं यहाँ पर तो पुतिन के आने से क्या होगा कि दबाव बढ़ेगा पुतिन पे। पुतिन को जितने भी ये जो G20 वाले देश हैं, पश्चिमी देश जो है ना, उन्होंने जो प्रतिबंध लगा रखा है पुतिन पे वो घेरेंगे। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात है कि पुतिन की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि गिरफ्तारी कैसे हो सकती है। गिरफ्तारी ऐसे हो सकती है कि पुतिन पे केस दर्ज है अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट पे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट 123 देशों का एक संगठन है जिन्होंने केस दर्ज कर रखा है पुतिन पे। अगर पुतिन अपने देश से कहीं भी बाहर निकलते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसीलिए पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए थे। अभी जो अगस्त में हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, पुतिन शामिल नहीं हुए थे और G20 में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि जो क्रिमिनल कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है, उसका सदस्य भारत नहीं है। अगर पुतिन भारत आते तो यहाँ से गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन फिर भी पुतिन को यहाँ से चौतरफा घेरने को सारे देश उस पर घेरते, हमला करते। और जो G20 का जो मकसद है ना, G20 का जो मकसद होता है वो आर्थिक जलवायु परिवर्तन हो गया, आर्थिक तौर पर देशों को मजबूत करना हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, इन मुद्दों पर होता है। लेकिन वो मुद्दा फटक जाता अगर पुतिन आते तो फिर बात होती यूक्रेन युद्ध की। सवाल पूछे जाते पुतिन से यूक्रेन पर कि आखिर यूक्रेन का युद्ध कब थमेगा और पुतिन चाहते क्या है। और यही वजह है कि पुतिन ने इस G20 बैठक से दूरी बना ली और वो खुद शामिल नहीं होके एक तरीके से, इसमें भारत का भी प्लस पॉइंट है कि भारत अब खुलकर और बाकी मुद्दों पर बातचीत कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 द्विपक्षीय बैठक करेंगे, 20 देश आ रहे हैं, उसके अलावा 15 देशों से हमारे उस बैठक से हट के अलग से द्विपक्षीय बैठक होगी जिसपे भारत में निवेश करने पर बातचीत होगी कि भारत में क्या क्या हम निवेश कर सकते हैं। स्टार्टअप आपने देखा होगा, स्टार्टअप हमारे देश में अभी शुरुआत हुई, कोरोना काल के समय में स्टार्टअप की शुरुआत हुई और आज के समय में स्टार्टअप हमारे देश में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि बाहर का हर व्यक्ति, विदेश का हर व्यक्ति, हर व्यापारी हमारे देश में निवेश करने के लिए, भारत एक ये कह सकते हैं कि आप बढ़ता हुआ बाजार है। भारत को दुनिया बाजार के नजर से देखती है क्योंकि भारत में सबसे अधिक युवा रहते हैं। युवा की आबादी भारत में इतनी है, कम से कम 65-70% के समथिंग भारत में युवा रहते हैं। तो अपना भी एक बड़ा बाजार हो गया, जहां युवा वहां बाजार। तो इसीलिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। रशिया और चीन का नहीं भारत आना, ये भारत की दृष्टिकोण से भी सही है। चीन नहीं आया तो इससे कम से कम हमें मौका मिलेगा कि हम अपनी चीजों को दुनिया में तक पहुंचा पाए, कोई भी आए। लेकिन जो तस्वीर है वो इस बार नई होने वाली है, नए भारत की तस्वीर है और मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। बाइडेन थोड़ी देर में पहुंचेंगे, इन तमाम तरह की तस्वीरें जो है वो जनसत्ता लगातार आप तक पहुंचाएगा।